अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। मैंने कुकिंग का ब्लॉग भी स्टार्ट किया है जिसमें इन्हीं सब चीज़ों की रेसिपी डिटेल के साथ है। आप उसका लिंक बायो में है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम बहुत ही क्विक, बहुत ही ईजी डिज़र्ट बना रहे हैं। ठंडा है क्योंकि गर्मियों का मौसम है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, आप ये ज़रूर बनाइएगा। ये क्रीमी ओरियो पाई है, बहुत ही क्विक है और बहुत ही मज़ेदार है। इसकी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन इसका टर्न आउट बहुत मज़ेदार है। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ आपको। इसके लिए हमको चाहिए ये वेनिला आइसक्रीम है, 1 लीटर है। इसको मैंने मेल्ट कर लिया थोड़ा सा फ्रीज़र से निकाल के, देखें आप इसको देख सकते हैं। 2 कप ओरियो कुकीज़ हैं, ये क्रश हुए हुए हैं। इसकी बेस बनाएंगे जिसमें हम 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे, ये मेल्ट करके रखा है मैंने। इसके लिए क्रीम है, 2 कप क्रीम है जो मैंने बीट कर ली है, बीट होके ये 2 कप है। जब इसकी अच्छी सी स्टिफ पीक्स बन जाएं तो, और इसके अंदर शामिल करेंगे हम ये 1 कप ओरियो क्रश्ड हैं और ये 2 टेबलस्पून चॉकलेट सॉस है। इसके लिए मुझे 9 इंच का स्प्रिंग पैन चाहिए जिसको मैंने फॉइल से कवर कर लिया है। अब हम इसको असेंबल करते हैं। इसमें कोई कुकिंग नहीं है, सिर्फ इनको असेंबल करना है और इसको फ्रीज करना है। ये 8 से 9 घंटे तक फ्रीज होगा और फिर इसको हम सर्व करेंगे। क्रीमी ओरियो पाई की बेस के लिए जो है ये 2 कप जो मैंने क्रश करके कुकीज़ रखे हैं, इसमें 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर डाल के और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये आप प्रोसेसर में भी कर सकते हैं, इसको मिक्स करके आप अच्छा सा, और फिर इसकी बेस बनाते हैं हम। आपने बटर और कुकीज़ को जब मिक्स कर लिया तो आपने इसके अंदर इसकी जो है लेयर लगाना है, अच्छा से इसकी बेस बना दें और फिर उसको ऐसे अच्छा सा लेवल कर दें बिल्कुल, ताकि ये यकजान हो जाए, फिर ये इजीली कट डाउन होगा। ये देखें, ये करके आपने इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि अच्छा सा चिल हो जाए। ये तैयार है, इसको अब हम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। हमने अपनी वो बेस जो है उसको फ्रीज होने के लिए रखा है आधे घंटे के लिए। दूसरी तरफ हमने जो व्हिप क्रीम की थी 2 कप, उसमें हम ये चॉकलेट सिरप डालेंगे। चॉकलेट सिरप इजीली अवेलेबल है मार्केट्स में, इसको आप मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसमें अपना ओरियो कुकीज़ डाल देंगे जो दूसरे हमने क्रश करके रखे थे 1 कप, वो ये हमारा तैयार हो गया। हमारी बेस आ गई है फ्रीजर से निकल के आधे घंटे बाद। अब इसमें हम सबसे पहले ये मेल्ट की हुई जो आइसक्रीम है इसका लेयर लगा देंगे। आइसक्रीम का लेयर हमने कर दिया, इसके बाद हम क्रीम का करेंगे। थोड़ी सी आइसक्रीम मेल्टों के ऊपर तक आएगी तो अच्छा है, इसका टेस्ट इन दोनों का थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। इसको ऐसे करके हम लेवल करके फिर हम इसको फ्रीज होने के लिए रख देंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए, फिर हम इसको सर्व करेंगे बिल्कुल चिल। ये देखें, इसको मैंने 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज कर दिया था। फ्रीज होने के बाद इसके सारे लेयर्स फ्रीज हो गए, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसकी बेस एंड एवरीथिंग। ये बहुत यमी है, हर किसी का फेवरेट है। आप इसको बना के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, दावतों में बनाएं इसको, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।